बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जायका विद तल्लत। कैसे हैं आप सब? अल्लाह आपको अपनी अमान में रखे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। आज मैं आपको सर्दियों की मुनासबत से बड़ी अहम रेसिपी बताने लगी हूँ, वेजिटेबल सूप बताने लगी हूँ। ये जब बहुत ज़्यादा सर्दी हो तो इसको आप बना के पिएं तो सर्दी एकदम भाग जाती है। चिकन वेजिटेबल सूप भी बनता है, खाली वेजिटेबल सूप भी बनता है। आज मैं आपको खाली वेजिटेबल सूप बनाने का तरीका बताने लगी हूँ। इंशाल्लाह फिर किसी दिन मैं चिकन वेजिटेबल का सूप बनाऊँगी। चलें बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने कैबेज ली है, शिमला, और ये मैंने एक छली लेके घर में उसको उबाला है। डिब्बे वाले कार नहीं लिए मैंने, ये मैंने खुद ही घर में उबाल के ये दाने तैयार किए हैं। और आगे गाजर ली है, दो गाजर मैंने मीडियम साइज़ की ली हैं। आप अपने सूप के हिसाब से ये वेजिटेबल ऐड कर सकते हैं। मैं बिल्कुल थोड़ा सा बनाने लगी हूँ, इसलिए मैं थोड़ी थोड़ी वेजिटेबल यूज़ करने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले थोड़ा सा यानी 1 टेबलस्पून ऑयल का डालना है। ज़्यादा ऑयल यूज़ नहीं करना इसमें, बस हल्का सा डाल के तो वेजिटेबल को थोड़ा सा आपने सोते कर लेना है। इनकी वेजिटेबल की जो एक महसूस सी खुशबू होती है वो थोड़ी सी ख़त्म हो जाती है इस तरह फ्राई करने से। ये हल्की सी फ्राई मैंने कर ली है। इसके बाद पानी ऐड करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पानी आप अपनी वेजिटेबल के हिसाब से ऐड करें। मैं तकरीबन 2 किलो पानी डाल रही हूँ कि ये थोड़ी सी गल भी जाएंगी और इनका सूप भी ज़रा अच्छा सा बन जाएगा, इसलिए मैं 2 किलो पानी डाला है। ये 1/2 टीस्पून काली मिर्च डालनी है। काली मिर्च ज़्यादा नहीं डालनी क्योंकि ये सूप पीते हुए गले को लगती है, तो बिल्कुल थोड़ा सा बस इसका फ्लेवर आ जाए। और नमक 1/2 टीस्पून, थोड़ा सा मैं चेक करके बाद में जब सूप तैयार होगा फिर भी ऐड कर लूँगी। उबाल आना शुरू हो गया है। अब एक चिकन क्यूब मैं डाल रही हूँ, इसका टेस्ट बहुत अच्छा सूप में आता है। ये सोया सॉस 2 टेबलस्पून ये डाल देना है, और सिरके के 2 टेबलस्पून डालने हैं। तो इसके बाद आपने ऊपर ढक्कन देना है और बिल्कुल लो आंच पे रखना है। अगर ढक्कन देना है तो फिर आपने इसको थोड़ी थोड़ी देर के बाद चेक करना है कि ये वेजिटेबल उबल के बाहर ना आ जाए। ढक्कन में इसलिए दे रही हूँ कि ज़रा वेजिटेबल जो है वो जल्दी गल जाती हैं। अगर आप नहीं देना चाहते तो ना भी दें। तकरीबन 20 से 25 मिनट इसको मैंने पकाया है। वेजिटेबल सारी गल चुकी हैं, ये देखें सूप बिल्कुल तैयार है। अब इसमें एक दो चीज़ मैं ऐड करने लगी हूँ। इसको ज़रा थिक करने के लिए ये 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर के मैंने पानी में मिलाए हैं। ये थोड़ा थोड़ा करके डालना है कि एकदम से डालने से थिक हो जाता है। थोड़ा थोड़ा डालते जाना है और आपने हिलाते जाना है, चूल्हे को ज़रा तेज़ कर लेना है। ये थोड़ा सा और डालने लगी हूँ, हल्की सी इसमें थिकनेस आएगी तो फिर मैं छोड़ दूंगी। ये सूप आप बनाएं एक दफ़ा तो इतना टेस्टी होता है। अगर आपके बच्चे इस तरह वेजिटेबल ना खाएं तो आप इसको ग्राइंड करके भी दे सकते हैं उनको। ग्राइंड करके बिल्कुल वेजिटेबल का अंदर से पता नहीं चलता। ग्राइंड करके उसके बाद छिलने से आप छान के बच्चों को ग्लास में डाल के दें हल्का गर्म, तो वो एकदम से पी जाएंगे। ये 2 टेबलस्पून है कॉर्नफ्लोर के मैंने डाले हैं तो इतना अच्छा ये देखें थिक हो गया है। अब ये मैंने 2 अंडे लिए हैं, इनको अच्छी तरह बीट करना है। ये थोड़ा थोड़ा करके डालते जाना है कॉर्नफ्लोर की तरह और इसको खिलाते जाना है। एकदम से आप डालेंगे तो वो कट्ठा आमलेट की शक्ल में बन जाएगा। अगर थोड़ा थोड़ा डालेंगे तो ये इस तरह जिस तरह मेरा ये सूप के ऊपर है गार है इस तरह आ जाएगा। इतना मज़े का और इतना खूबसूरत सा सूप तैयार हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह इतना खूबसूरत और इतना मज़े का
सूप तैयार है। अब मैं आपको चेक करके भी दिखाती हूँ। ये देखें इतनी मज़े की खुशबू आ रही है। अब ये मैंने सिरका लिया है, उसमें मैंने ग्रीन चिली को बारीक बारीक कट किया है। ये दादर मिर्चें ली हैं, अंदर मैंने सिरका ऐड किया है। आप चिली सॉस भी डाल सकते हैं, आपकी चॉइस है। ये मैं थोड़ा सा ऐड करूँगी, थोड़ा सा ये ऐड करना है, थोड़ा सा इसको ऐड करना है और अब मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ कि ये कैसा बना है। बहुत मज़े का सूप तैयार हुआ है। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी। इस सूप को आप ज़रूर ट्राई करेंगे। दुआ में मुझे याद रखना। अल्लाह आप सबका हामी व नासिर। खुदा हाफिज़।